हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी को कवर करने वाली हूँ। ये वैकेंसी परमानेंट पोस्ट के लिए है। यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। 7 CPC मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एकेडमिक अवेलेबल रहेगी। कैंडिडेट को ओनली ऑनलाइन अप्लाई करना है। यह एक रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, तो अप्लाई करने की कोई लास्ट स्पेसिफिक डेट नहीं है। टोटल 11 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। ये कौन कौन सी डिपार्टमेंट है, इसकी डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। तो गाइज, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए वीडियो में तक बने रहें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। हेलो गाइज, मैं कविता खुश हूँ। अपने इस यूट्यूब चैनल कविता हर रू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको PhD एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप UGC नेट, सेट या PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं, तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो गाइज, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। यहाँ से आप डिपार्टमेंट नेम को देख सकते हैं। यहाँ वैकेंसी है आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड डिजाइन, सेरेमिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिकल साइंस। इन 11 डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी है। इन 11 डिपार्टमेंट में अगर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं। देन गाइस, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, देयर इज अ रोलिंग एडवर्टाइजमेंट, देयर इज नो लास्ट डेट एंड एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड थ्रू आउट द ईयर। अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ये डिटेल आप यहां से देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 में अप्लाई करने के लिए PhD विद फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट होना चाहिए। देन 3 ईयर्स टीचिंग या रिसर्च या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड PhD एक्सक्लूडिंग द एक्सपीरियंस गेन्ड व्हाइल परस्यूइंग PhD। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 में अप्लाई करने के लिए PhD विद फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। देन असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 विल बी एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 ऑन कम्प्लीशन ऑफ 3 ईयर्स टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड ऑफ PhD एक्सक्लूडिंग एक्सपीरियंस गेन व्हाइल परस्यूइंग PhD। देन यहाँ से आप पे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए एकेडमिक पे लेवल 12 रहेगी। एंट्री पे 1,01,500 रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए एकेडमिक पे लेवल 10 रहेगी। एंट्री पे 57,700 रहेगी। यहाँ 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। देन गाइज, यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर SC, ST, OBC, EWS कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म के अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ अप्लाई कैसे करेंगे, ये एप्लीकेशन प्रोसीड्योर दिया हुआ है। कैंडिडेट को यहाँ पर ओनली ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसके लिए ये लिंक दिया हुआ है। कोई हार्ड कॉपी को सेंड नहीं करना है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्टल एड्रेस एंड ईमेल आईडी दोनों दिया हुआ है। यहाँ आपका इंस्टीट्यूट का वेबसाइट दिया हुआ है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए यहाँ पर रेगुलर विजिट करते रहेंगे। कैंडिडेट अगर मोर देन 1 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो सेपरेटली फॉर्म सबमिट करेंगे। अगर कैंडिडेट पहले से एम्प्लॉई हैं, तो इंटरव्यू के टाइम में NOC सबमिट करेंगे। एंड गाइज, यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, डिपार्टमेंट या स्कूल नेम एंड ये एरिया है, ये सब एरिया है। फर्स्ट डिपार्टमेंट है आपका माइनिंग इंजीनियरिंग, इसके लिए एरिया स्मार्ट माइनिंग, ग्रीन माइनिंग है एंड ये इसकी सब एरिया दी हुई है। इस तरह से ये ऑल 11 डिपार्टमेंट की दी हुई है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आप जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, उसकी एरिया और सब एरिया को देख लेंगे। एंड गाइज, ये वैकेंसी आई है IIT BHU से। रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टी पोजिशन एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पर क्लिक हेयर दिया हुआ है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसे मैं ओपन करके शो कर रही हूँ। क्लिक हेयर को ओपन करेंगे तो आपका इस तरह का पेज आएगा। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले रजिस्टर करेंगे। जब आपको एप्लीकेशन ID पासवर्ड मिल जाएगा, तो उस एप्लीकेशन ID पासवर्ड को यहाँ पर फिल करके साइन इन करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप उसे फिल कर पाएंगे। ओके गाइज, आई होप अप्लाई करने में या किसी चीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।